राज्य सरकार गरीबों की कितनी हितैषी है इस बात की पोल मोगा में उस समय खुल गई जब जिले के गांव बहौना के आजाद सरपंच को गांव के 200 से 250 जरूरतमंद लोगों के नीले कार्ड बनवाने के लिए मरण व्रत पर बैठना पड़ा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को तो आपने अनेकों बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन ये जिन लोगों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते देख रहे हैं, ये गाँव बहौना का मौजूदा सरपंच हरभजन सिंह वे उनके समर्थक हैं। दरअसल गांव के जरूरतमंद लोगों के नीले कार्ड बनवाने में सरपंच को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते ये ग्रामीणों के नीले कार्ड ना बनने तक मरण व्रत पर बैठ गए हैं। गरीबों के नीले कार्ड नहीं बने, पहले 2014 में कार्ड दिए थे। राजनीति तो प्रेरित जिला प्रशासन, जो मेरे गाँव के जो मेरे पक्षी सरपंच के पक्षी लोग हैं उनके कार्ड जो है वो नहीं बनाते, और जो अकाली दल के पक्षी है उन पंचों को वो कार्ड बनाते हैं। मेरे पहले भी कार्ड नहीं बनाए, अब भी नहीं बनाए। मेरे को बोलते हैं कि पंजाब सरकार जो नोटिफिकेशन जारी करेगी फिर आपके कार्ड बनेंगे। अब मेरी मांग ये है कि मोगा जिले के पूरे जिले के कार्ड जो है लोगों से मांग कर फॉर्म भरवाए जाएं और सभी जरूरतमंद लोगों की पहचान करके उन्होंने कार्ड जो है जारी किए जाएँ, ये मेरी मांग है। मैं मरण व्रत पर आज बैठा हूँ और जब तक कार्ड नहीं लोगों के बनेंगे तब तक मैं जहाँ बीडीपीओ मोगा के ऑफिस में मैं मरण व्रत पर बैठा हूँ। मोगा से गौरव मोगा की रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।